हेलो फ्रेंड्स, एबीसी में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा नंबर सिस्टम से, नंबर कन्वर्शन से। तो कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज रहती है वो नॉर्मली नंबर से ही समझता है, मतलब कंप्यूटर को नंबर की ही लैंग्वेज समझ में आती है। उसको कोई भी डिजिट, अल्फ़ाबेट या स्पेसिफिक कैरेक्टर की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह है उसको हम सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो नंबर कन्वर्शन में हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले रहेगा हमारा बाइनरी, बाइनरी उसके बाद में है हमारा डेसिमल, डेसिमल उसके बाद में है ऑक्टल और उसके बाद में है हेक्सा डेसिमल। तो जो बाइनरी है तो ये बाइनरी का बेस हम 2 से डिनोट करते हैं, डेसिमल को हम 10 से डिनोट करते हैं, ऑक्टल को हम 8 से डिनोट करते हैं और हेक्सा को 16 से डिनोट करते हैं। ये है नंबर सिस्टम के नंबर कन्वर्शन, 4 टाइप के हमें यहाँ पे देखना है। मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम में हमें दिया रहेगा बाइनरी की वैल्यू, तो बाइनरी से कभी डेसिमल में करना पड़ेगा, बाइनरी से कभी ऑक्टल में करना पड़ेगा, बाइनरी से कभी हेक्सा में कन्वर्शन करना पड़ेगा। उसी तरह से डेसिमल दिया रहेगा, डेसिमल का बाइनरी करना पड़ेगा या तो फिर ऑक्टल करना पड़ेगा या तो फिर हेक्सा डेसिमल करना पड़ेगा। इसी तरह से सभी के कन्वर्शन हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। तो बाइनरी, बाइनरी के 2 नंबर्स है सिर्फ, एक 0 और एक 1। उसी तरह से डेसिमल के जो है टोटल 10 नंबर से हम डिनोट करते हैं, कौन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9 हो गए टोटल 10। ऑक्टल को हम 8 से डिनोट करते हैं, तो उसी तरह से 1, 2, 3 और ये 7 हो गए 8। 0 से अगर काउंट करेंगे तो 8 हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हेक्सा प्लस डेसिमल, उसको कंबाइन में हेक्सा डेसिमल हम बोलते हैं, इसको हम 16 से डिनोट करते हैं और इसको लिखते समय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो हो गए डेसिमल की वैल्यू हो गई यहाँ पे लिखी हुई। अब आगे जो डबल डिजिट वाले है जैसे 10, 11, 12, 13, 14, तो हेक्साडेसिमल इसको कन्वर्शन करते समय ये याद कर लो, 10 को हम डिनोट करेंगे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से और 14 को जो है ई से डिनोट करेंगे। तो अब हम डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आते हैं और कन्वर्शन यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्शन स्टार्ट करने से पहले यहाँ से भी यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के यूनिट्स है, तो कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट अगर हमें पूछे तो वो आता है बीट। यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट जो है बीट है, बीट 0 और 1 के बीच में आती है। उसके बाद में निबल है जिसको है एन से डिनोट करते हैं और उसमें 4 बीट आते हैं। उसके बाद में बाइट है जो 8 बीट मिलकर 1 बाइट होती है, और उसी के तरह से किलोबाइट, 1024 बाइट मिलके जो होता है वो होता है 1 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट मतलब 1024 केबी मिलके 1 MB जो हम बोलते हैं शॉर्टकट में वो होता है। उसी तरह से GB 1024 ये स्टैंडर्ड है, ये कैसे आया हम यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा। उसके बाद में ये इसका बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पे दिखाया है, जैसे बीट है उसके बाद में निबल, उसके बाद में बाइट, उसके बाद में किलोबाइट, फिर MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB और GB, इस तरह से है। तो ये आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं हम,
ठीक है, यहाँ से हम कन्वर्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से कन्वर्शन आएंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास बाइनरी, तो बाइनरी का कन्वर्शन हम देखेंगे डेसिमल में किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसी सीक्वेंस से हम चलेंगे। तो बाइनरी का कन्वर्शन हमें करना है सबसे पहले डेसिमल में, ठीक है। उसके बाद में बाइनरी का कन्वर्शन करना है ऑक्टल में, बाइनरी का कन्वर्शन करना है ऑक्टल में, उसी तरह से उसके बाद में बाइनरी का कन्वर्शन हमें करना है हेक्सा में, उसी तरह से बाइनरी का कन्वर्शन हमें करना है हेक्सा में। ये एक ग्रुप रहेगा बाइनरी कन्वर्शन का। उसके बाद में डेसिमल का कन्वर्शन हम देखेंगे बाइनरी में किस तरह से करेंगे। डेसिमल का कन्वर्शन हम देखेंगे कि बाइनरी में किस तरह से करते हैं। उसके बाद डेसिमल का कन्वर्शन ऑक्टल में किस तरह से करते हैं, डेसिमल का कन्वर्शन ऑक्टल में किस तरह से करते हैं। और छठवा कन्वर्शन रहेगा कि डेसिमल का कन्वर्शन हेक्सा में किस तरह से करते हैं। हेक्सा में किस तरह से करते हैं। अब लेंगे ऑक्टल, तो ऑक्टल का कन्वर्शन सबसे पहले देखना है कि बाइनरी में किस तरह से करेंगे। ऑक्टल का कन्वर्शन बाइनरी में किस तरह से करते हैं। उसके बाद में ऑक्टल का कन्वर्शन डेसिमल में किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। ये सीक्वेंस वाइज ही हम पूरा लेके चलेंगे ताकि कोई भी हमारा कन्वर्शन छूटे ना, ठीक है। ऑक्टल का कन्वर्शन डेसिमल में देखना है, ऑक्टल का कन्वर्शन हेक्सा में देखना है। ये एक ग्रुप यहाँ पे हमारा हो गया और ये एक ग्रुप हो गया। अब एक ग्रुप बाकी रहा हेक्सा का, तो हेक्सा का कन्वर्शन देखेंगे बाइनरी में किस तरह से करते हैं। हेक्सा का कन्वर्शन देखेंगे कि डेसिमल में किस तरह से करते हैं, और हेक्सा का कन्वर्शन देखेंगे कि देखिए हेक्सा का कन्वर्शन बाइनरी में किस तरह से है लिख लिया, हेक्सा का डेसिमल में किस तरह से करते हैं वो लिख लिया, और एक हमें देखना है कि ऑक्टल में किस तरह से करेंगे। तो हम डायरेक्टली अभी हम प्रॉब्लम में चलते हैं, जो जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको टिक करते हुए आगे चलेंगे ताकि हमारा एक भी कन्वर्शन यहाँ से छूटे ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाइनरी का कन्वर्शन डेसिमल में किस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल पहला है बाइनरी का डेसिमल में करना है, 2 दिया है मतलब ये बाइनरी से डिनोट करता है, और 10 दिया मतलब डेसिमल से डिनोट करता है। तो अब हमें इसका जो बाइनरी वैल्यू है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल मतलब जो डिजिट हमारे आते हैं उसमें, बाइनरी में सिर्फ 2 वैल्यू आती थी 10, तो 10 यहाँ पे दिखाया 1111 और 000, इसका डेसिमल में हमें कन्वर्शन करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1111 और उसके बाद में 000, इसको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3, ये 4, ये 5 और 6। अब हमें करना क्या है इसमें कि 1 है तो 1 इंटू हमेशा 2 ही लेंगे हम यहाँ पे 2, और इसका पावर ये है, ये 1 के लिए हम देखेंगे तो इसका पावर 6 है, तो पावर हम इसको 6 दे देंगे। उसके बाद में इसके लिए और सभी को ऐड करते चलेंगे, 1 है 2 और इसका पावर 5, उसके बाद में फिर ऐड करेंगे 1 इंटू 2 का पावर 4, ठीक है। उसके बाद में हर एक को प्लस करते चलेंगे 1 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई भी डिजिट को अगर 0 से इंटू करे तो वो 0 ही आता है।
है क्या? इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ताकि हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे, हो गया। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 64, उसके बाद में ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 8, जीरो से अगर इंटू किए तो आ जाएगा 0, जीरो से इंटू किया तो 0, जीरो से इंटू किया तो 0। अब इसको अगर हम जोड़ दें, अगर इस पूरे इसको हम जोड़ दें तो इसका आंसर आ जाएगा 120। और जब तक हम इसको यहाँ पे 10 नहीं लिख लेते तो ये डेसिमल की वैल्यू नहीं होंगी, तो इसका यूनिट भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। तो इसका जो कन्वर्शन है, इसका आंसर हमारे पास आ गया 120। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड हमने लिख ली थी। हम इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आपको याद रखने के लिए एक सीरीज़ में आपको बता देता हूँ। और हमने देखा था कि यहाँ पे वन से शुरू करेंगे, हमारी सीरीज जो है वन से शुरू करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे 2, 4, डबल करते चलेंगे, डबल डबल करते चलेंगे जब तक, जहाँ तक हमारा क्वेश्चन दिया है 128, फर्स्ट से 12 और 1024। मैंने अभी बताया था कि 1024 कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। ये होगी बाइट की सीरीज, ये होगी बाइट की सीरीज। हम यहाँ से वन से शुरू करेंगे और उसका डबल करते करते जाएंगे, तो यह हो गया बाइट की सीरीज। अब ये इस सीरीज से अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 ये वाला, उसके बाद में लिख लेते हैं 0 ये वाला, उसके बाद में लिख लेते हैं 0 ये वाला, और उसके बाद में 1 1 1, 4 times 1 है 1 1 1 1। ठीक है, तो अब इसको हमें डायरेक्टली ऐड करना है, इसको मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ से हमारा कट है, तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं और ये 0 0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 1 1 होते तो ये पूरे ही ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ पे 0 है तो ये सीरीज़ हमने यहाँ से कैंसिल कर दी। तो यहाँ से भी सेम उसी तरह से आते हैं, लेकिन ये पेपर में हमें समय कम रहता है तो ये ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्ट ये सीरीज़ याद रखेंगे और जहाँ पे 1 1 है उसी को हम मैच करके एडिशन कर लेंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर 2 मिनट 2 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसका कन्फ्यूज़न दूर ही हो जाएगा। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से रहेगा 1 0 1 0 1। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे 1 0 1 0 1। पहले ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे और बाद में हमारी सीरीज वाली मेथड को मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से हमने देखा था इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर करना है 0 1 2 3 और ये आ जाएगा 4। अब क्या करना है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 into 2 to the power 5 है, ये 0 है यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली ही 0 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। 1 into 2, अब ये 2 to the power 2 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इसका डायरेक्टली ही 0 लिख लेते हैं और ये 1 है, तो हम क्या करेंगे अभी 1 into 2। ये सीरीज़ पावर के लिए हमने ली है, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना कि यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। और यहाँ पे एक नोट करके रखिए कि कोई भी डिजिट का पावर अगर 0 यहाँ पे दिया है तो उसका हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये किस तरह से आ जाएगा, सॉरी ये देखिए 0 1 2 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसका भी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 16, ये 0,
इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 4, ये 0, और 2 का पावर 0 है तो ये आ जाएगा 1। इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 21, और ये 10 अगर दिए तो ये हो गया डेसिमल में कन्वर्शन, और ये हमारा हो गया आंसर। अब हम सीरीज से अगर इसको सॉल्व करें, मेथड दूर यूज करें, शॉर्टकट में हमें सॉल्व करना है, तो 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128 डबल करते हुए गए। अब ये यहाँ पे इस जैसे क्या वैसे यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 1, 0, 1, 0, 1। अब यहाँ से 0, 0 वाले कट कर लेना है और इसकी एडिशन कर लेना है, ये तो है ही नहीं, तो इसको अगर ऐड किए तो यह आ जाएगा डायरेक्ट 21 और ये 10, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ये मेथड आप प्रैक्टिस जिस तरह से करेंगे तो आपको ये सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट सीरीज़ को अगर याद रखे और उसको उस जगह पे अगर रख के एडिशन डायरेक्ट कर लिए तो भी आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को आप लोगों को अगर कैलकुलेटर में करना है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, उसको अगर यही चीज़ कैलसी में करना है तो उसकी भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जैसे ये कैलसी हो गया, ये पुराना कैलसी हो गया, नए में भी सेम ही वैसे ही फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पे मोड की बटन है, मोड को बटन को हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में एक बार और क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेस का ऑप्शन आता है, वो है 3 पे, तो हम 3 लेंगे। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है, अभी एच आया मतलब हेक्सा है, अभी बी आया मतलब बाइनरी है, और ये ऑक्टल है। यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये हमारे पास वैल्यू थी बाइनरी में, हम सबसे पहले लेके जाएंगे, यहाँ पे बी लाएंगे, आ गया बी, मतलब ये हमारा बाइनरी। अब वैल्यू क्या है, 1, 0, 1, 0, 1, इसको हम बाइनरी में इक्वल टू दबाए तो ये बाइनरी में ले लिया इसने। अब हमें डेसिमल निकालना है तो 21, यहाँ पे आंसर हमारा आ गया था 21, तो यहाँ पे 21। उसी तरह से आपको हेक्सा में लेना है तो हेक्सा के लिए इसका आंसर आ जाएगा डेसिमल का कन्वर्शन 50 में। अगर डेसिमल का, हेक्सा का, बाइनरी का, और ये आ गया ऑक्टल का, तो ये डायरेक्टली कैलसी में आ जाता है। लेकिन इसकी सॉल्व करने की मेथड भी हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलती, तो उसके लिए ये मेथड शॉर्टकट में हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से हमारा मोड रहता है, मोड में जाएंगे, डबल मोड दबाएंगे, 3 में आएंगे, और यहाँ से हमारा कन्वर्शन का सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं देखेंगे, डायरेक्टली ही देखेंगे। एक बार इसको अगर हमने बाइनरी है और ये डेसिमल में कन्वर्शन करना है, तो अब हम सीरीज लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, 2, 4, 8, 16, 64, 128। अब हम ये इसके नीचे एज इट इज़ रख देते हैं, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यही नहीं है तो इसको हम कट कर देंगे। अब 64 है तो इसको हम रखने देंगे, 0 है तो इसको कैंसिल, 0 है तो इसको कैंसिल, 0 है तो इसको कैंसिल, और ये कैंसिल, और इन दोनों के एडिशन, तो ये आ जाएगा 66। ये हमारा 66 आंसर आ जाएगा। किस तरह से, 1, 2 इसका डबल करते जाएंगे, 60 सॉरी यहाँ पे 32 चाहिए था, 60 के डबल 32, और इसको 32 और 2 को अगर ऐड करें तो ये आ जाएगा 34, और ये आंसर। इसको हम कैलकुलेटर में एक बार टैली कर लेते हैं, बाइनरी की वैल्यू है क्या है, 1 1
0 0 0 1 0, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्शन करना है, तो ये आ गया 34। ये हमारा आंसर 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 1 0 0 0 1 1, और इसका कन्वर्शन करना है। अब क्या करेंगे, हम सीरीज़ लिख लिया, सीरीज़ को इसमें मैच कर लिया, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 लिख लिए, ठीक है, और इसको अगर ऐड कर लिए तो हमारा डायरेक्टली आंसर 99 आ गया। एकदम ईजी है, आप एक दो बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और बाइनरी टू डेसिमल का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वाले कन्वर्शन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 0 1 1 0 0 का कन्वर्शन करना है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज 1 2 4 8 16 32 और 64, इसको यहाँ पे रख देते हैं। 0 मतलब 0 1 1 0 1, ये कैंसिल हो गया, अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब इसकी अगर एडिशन की, आ गया 32 आ गया था, 8 आ गया और 4 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आंसर हमें मिल जाएगा। ये कुछ नोट्स थे, इससे हमने देख लिया। इस तरह से भी एक प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रॉब्लम हम डील कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे पॉइंट आया, तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, 1 1 0 1 0.011, ये बाइनरी दिया है और इसको बोल रहा है कि इसको कन्वर्शन हमें डेसिमल में करना है। तो अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से 1 2 4 8 सीरीज़ लिख लेंगे, और ये इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में हम किस तरह से लिखेंगे, इन्वर्स में हम लिखेंगे 1/2 + 1/4 + 1/8। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 है तो 0 कैंसिल, ये 0 है तो 0 कैंसिल, अब क्या होगा, 8 12 13, इसका आंसर आ जाएगा 13। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये टोटली आ जाएगा 375, ये आ जाएगा 10। ठीक है, अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। जैसे 1 1 0 1 0 1 1, अब इसको हमें करना क्या है, हमने देखा था कि यहाँ से हमने पावर लिए थे 0 1 2 3, इस तरह से पावर लिए थे, तो अब हमें यहाँ से भी देखना है -1 -2 -3, इस तरह से पावर लेते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, हम इसको 1 × 2³ दे देंगे प्लस 1 × 2² दे देंगे प्लस 1 × 2² ये यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 1 × 2² 0। पॉइंट तक हमारा सॉल्व हो गया, अब हम आगे सॉल्व करेंगे 0 × 2⁻¹। यहाँ से धीरे धीरे हम देखते हैं ताकि समझने में इजी हो। 1 × 2⁻², और प्लस 1 × 2⁻³। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 8, इसको सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 4, 0 से इंटू किए तो ये आ जाएगा 0, प्लस इसको इंटू किए तो ये आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि कोई भी पावर का डिजिट अगर 0 है, पावर 0 है, तो ये आ जाएगा 1, और 1 × 1 1, पॉइंट आ गया।
अब जीरो है यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, इसको भी ऐड करते हुए चलना है। इनवर्स है तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी पावर माइनस टू में है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4, ठीक है। तो इसी तरह से लिख लिया और ये 1/8। अगर इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 13, और इसको अगर सॉल्व किए तो ये आ जाएगा 375, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो भी बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल के कन्वर्शन है यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल का कन्वर्शन, ठीक है। ये पूरे कन्वर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर हम इसको जल्दी स्पीडली शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्वर्शन से क्वेश्चन अगर आया तो वो छूट नहीं पाए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कन्वर्शन देखेंगे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्शन।